हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल M.A.Sporty में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे मनी इन द बैंक का रिजल्ट। दोस्तों, इस बार मनी इन द बैंक में कुल 9 मैच हुए। सबसे पहला मैच डैनियल ब्रायन और बिग कैश के बीच में हुआ। ये मैच डैनियल ब्रायन ने जीता। दूसरा मैच सैमी ज़ेन और बॉबी लैशली के बीच में हुआ, इसे बॉबी लैशली ने जीता। तीसरा मैच इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एलायस और सेठ रॉलिंस के बीच में हुआ। ये मैच सेठ रॉलिंस ने जीता और अपना इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन का टाइटल डिफेंड किया। चौथा मैच विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच हुआ, जो साशा बैंक, बैकी लिंच, एम्बर मून, लाना, नटालिया, नेओमी और एलेक्सा ब्लिस शार्लेट के बीच हुआ, जिसे एलेक्सा ब्लिस ने जीता और इस साल की विमेंस मनी इन द बैंक बनी। पांचवा मैच रोमन रेंस और जिंदर महल के बीच में हुआ, जिसे जिंदर महल को हराकर रोमन रेंस ने जीता। छठा मैच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए असोका और कार्मेला के बीच में हुआ, ये मैच कार्मेला ने जीता। सातवां मैच WWE चैंपियनशिप के लिए एजे स्टाइल और शिंसुके नाकामुरा के बीच में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच हुआ। ये मैच एजे स्टाइल ने जीता और एक बार फिर से अपना टाइटल डिफेंड किया। आठवां मैच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए नाया जैक्स और रोंडा राउजी के बीच में हुआ। इस मैच में एलेक्सा ब्लिस ने अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन किया और रॉ वुमेन्स चैंपियन बन गई। नवा मैच मनी इन द बैंक लैडर मैच हुआ, जो समोआ जो, फिन बेलर, ब्रॉन स्ट्रोमैन, बॉबी रूट, रूसेव, द मिज, केविन ओवंस और कॉफी किंगस्टन के बीच में हुआ। ये मैच ब्रॉन स्ट्रोमैन जीता और मिस्टर मनी इन द बैंक बन गए। तो फ्रेंड्स, ये था मनी इन द बैंक का रिजल्ट, और इस रिजल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।